हाय गाइस, वेलकम टू डेज वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरीज, राइट। तो ये है हमारे बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी डिफरेंट फोर थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो टुडेज वीडियो विल बी कट टू कट, मीन्स आई विल बी वेरी ब्रीफ, येट मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि बड़ी वीडियोज होती है, लंबी वीडियोज होती है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ओके, so yeah, without any delay, let's get started. So make sure you to subscribe the channel for more of such lectures, right? So and yes, we are running our online commerce classes. So in case you want to get enrolled, you can contact me on 7839575509, and the classes are running in which you'll get all the notes, obviously with the updated syllabus, the PDFs, video lectures, and all the study material. That means कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर के मटेरियल को रिफर करने के लिए। ओके, सो इफ यू ज्वाइन आवर क्लासेस विल मेक श्योर यू क्वालिफाई जीआरएफ इन द कमिंग ईयर्स। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर इज। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो बाय फाइनेंस हियर वी मीन्स लाइक व्हेन वी रन अ कंपनी और व्हेन वी ट्राई टू मैनेज अ कंपनी, द फंड्स आर नीडेड, राइट। So right from the promotion stage to the end, finances play a very important role. Finance here I mean money, right? तो अलग अलग sources से हमें बहुत सारी पैसों की जरूरत पड़ती है to run a company. तो ऐसे ही जब long term sources होते हैं, long term sources से here I mean that last longer more than a year, right? For short term I mean that is related to 6 months or 1 year, but long term are above 1 year, right? So capital structure means a combination of all the long term sources of finance. जो long term sources होते हैं, अब long term sources हमारे क्या हो गए, equity share capital, reserves and surplus, preference share capital है, loan है, debentures है, और भी जितने भी तरीके के long term sources of finance है, इनका जब हम एक combination बना के अपनी finance का जुगाड़ करते हैं अपनी company के लिए, that is referred to as कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल को अगर हम लोग एकदम हिंदी में बात करें तो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल मींस, कैपिटल मींस पूंजी, राइट। तो उस पूंजी का जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर कब बनते हैं, जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स असेंबल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या, कुछ हमने इक्विटी का ले लिया, कुछ रिजर्व ले लिया, कुछ डेट ले लिया, कुछ लोन ले लिया, कुछ डिबेंचर ले लिया, राइट। तो इन सबसे कॉम्बिनेशन से जब एक परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कंपनी को एट लास्ट फायदा पहुंचाए, दैट इज रिफर टू एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये कंपोजिशन ऑफ फंड्स होता है बेसिकली, इसको कंपोजिशन ऑफ फंड्स को ही स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है, जहां पे ये जो सोर्सेज हुए उसे हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इन डेट एंड इन इक्विटी, राइट। डेट अलग होता है, इक्विटी अलग होता है, और इन ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर हम लोग छोटे 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 सोर्सेज इसके अंदर अंदर डालते जाते हैं। So it may be defined as the proportion of debt and equity in the total capital that will remain invested in a business over a long period of time. So अगर हम लोग ऐसे बात करें तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, टोटल पूंजी होती है कंपनी की, जिससे कंपनी को बेसिकली खड़ा किया जाता है फ्रॉम अ स्क्रैच, तो उस कैपिटल का जो प्रपोर्शन होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज डेट एंड इक्विटी। और जो डेट एंड इक्विटी होती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है, और इन्हीं दोनों के कंपोजिशन को, कॉम्बिनेशन को, डेट एंड इक्विटी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। सो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो फोर टाइप्स के यहाँ पे निकल के आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच, देन इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, देन थर्ड इज ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड द लास्ट वन इज NNM अप्रोच। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने नेट इनकम के बगल में लिखा है रेलेवेंट, फिर नेट ऑपरेटिंग में रेलेवेंट, ट्रेडिशनल में मिक्सड है, और NNM अप्रोच में दो प्रपोजिशन बेसिकली आती है हमारे पास। सो ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्या है, आइए जानते हैं। सो नेट इनकम अप्रोच क्या है, दैट इज रिलेवेंट। ओके, तो इसको किसने सजेस्ट किया था, दुरन ने सजेस्ट किया था। ओके, ही वॉज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट और ही वॉज इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज डिसीजन। दैट मीन्स यहाँ पे रिलेवेंट का मतलब क्या है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो
रेलिवेंट होता है फर्म के लिए, राइट? मतलब कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जरूरी नहीं होता है, कुछ कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जरूरी होता है. तो उसी अप्रोच के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं. रेलिवेंट का मतलब है ये अप्रोच ये समझती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है कंपनी को चलाने के लिए. तो रेलिवेंट का मतलब ये होता है. So according to him, a change in financial leverage would lead to a change in the cost of capital. Means financial leverage एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, राइट? तो फाइनेंशियल लीवरेज का यहाँ पे आप ये मतलब समझ लीजिए, जब हम लोग एकदम अच्छे से लीवरेज करते हैं फाइनेंशियली अपने फंड्स को, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, मतलब हम लोग एकदम अच्छे से फंड्स को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज. ओके, सो जब फाइनेंशियल लीवरेज में चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं चेंज लाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, बट आप यहाँ पे एक मोटा मोटा समझ लीजिए. तो इन शॉर्ट, इफ द रेशियो ऑफ द डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस. तो एक नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट है. ओके, इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को डिफाइन करने में. और इसके हिसाब से कि अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब डेट के पीछे का लॉजिक क्या है? डेट के पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम लोग यू नो नेट इनकम अप्रोच में प्रोपोर्शन ऑफ डेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो जब डेट जो है हम लोग क्या समझते हैं, चीपर सोर्स ऑफ फंड है. तो जब हम लोग चीप सोर्स ऑफ फंड लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है जो इंक्रीज होगी, ठीक है? तो जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा डेट लगाएंगे, दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग ओवरऑल, दैट इज जो ओवरऑल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अपने आप क्या है डिक्रीज हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब इसके पीछे अजम्पशन क्या है? इसके पीछे का अजम्पशन ये है कि जो डेट होता है वो इक्विटी से यू नो कम होता है. ओके, कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो इक्विटी से कम कंसिडर की जाती है. क्यों? क्योंकि जो डेट का इंटरेस्ट रेट होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू डिविडेंड रेट्स ऑफ इक्विटी. ओके, सो इस वजह से जो डेट होता है हम लोग ये समझते हैं कि डेट जो है वो उसकी कॉस्ट कम होगी इक्विटी से. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है डिविडेंड से. आई होप आई एम क्लियर टू यू. अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है फाइनेंस की तो ही आप ये सब समझ सकते हैं. अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो मेक श्योर आपके पास बेसिक नॉलेज हो. ओके, सो बेसिकली इस अप्रोच का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग डेट का रेशियो बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी. डेट को बढ़ाने के मेन अजम्पशन ये है क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो इक्विटी से सस्ता पड़ता है. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर होते हैं डिविडेंड रेट से. इसलिए कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को हम लोग ज्यादा 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 रखेंगे. ओके, देन कम टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये भी दुरंत ने ही यू नो सजेस्ट की थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ये इररिलेवेंट है. इररिलेवेंट क्यों है? क्योंकि इसके मुताबिक जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म के वैल्यू और वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है. तो अगर कोई भी टैक्सेस नहीं होंगे तो एकदम नेट इनकम अप्रोच का एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है. इस अप्रोच के मुताबिक जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो कांस्टेंट होता है. मींस चाहे आप जितना मर्जी डेट बढ़ा दो, इक्विटी कम कर दो, इक्विटी बढ़ा दो, डेट कम कर दो, कोई भी असर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नहीं पड़ता है. कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है इस अप्रोच के हिसाब से. इट बिलीव्स इन द फैक्ट दैट मार्केट एनालाइजेस अ फर्म एज अ होल एंड इट डिस्काउंट्स एट अ पर्टिकुलर रेट व्हिच हैज नो रिलेशन टू डेट इक्विटी रेशियो. इसके मुताबिक क्या है कि जो मार्केट है वो यू नो एक फर्म को एज अ होल एनालाइज करती है, यू नो सारी फर्म को मिलकर एनालाइज करती है, वो डिस्काउंट करती है एट अ पर्टिकुलर रेट. तो अगर आप उसका डेट इक्विटी रेशियो से कोई भी मतलब नहीं है, डेट इक्विटी आप जितना मर्जी कम ज्यादा बराबर बराबर कर दो कोई असर नहीं पड़ता है. तो इस अप्रोच के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी रोल प्ले नहीं करता है. एंड इफ द टैक्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन इट कमेंट्स दैट विद एन इंक्रीज इन डेट फाइनेंसिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस एंड द वैल्यू ऑफ फर्म विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो अगर कोई भी टैक्स नहीं है तो ये नेट इनकम अप्रोच का उल्टा है, पर अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है तो ये यू नो रिकमेंड करता है कि अगर डेट फाइनेंस में आपको इंक्रीज है तो यू नो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ रिड्यूस हो जाएगी और द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे ये सेम हो जा रहा है नेट इनकम अप्रोच की तरह.
अभी टैक्स इन्फॉर्मेशन गिवेन है, पर अगर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं गिवेन है तो ये नेट ऑपरेटिंग यू नो इनकम का एकदम उल्टा है और इसके हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी रोल प्ले नहीं करता है. ओके, देन कम टू द ट्रेडिशनल अप्रोच विच हैपेंस टू बी द थर्ड अप्रोच. सो इसका कोई यू नो कोई डिफाइन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट फैक्ट्स इसको डिफाइन नहीं किया गया है. इट सेज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, द स्पेशल थिंग अबाउट दिस अप्रोच इज दैट इट बिलीव्स ऑन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. मतलब इसका मतलब एक यू नो बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्या मतलब है, दैट एट अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम. जैसे हमने पहले अप्रोच में देखा, पहले अप्रोच का मतलब क्या था कि डेट ज्यादा होना चाहिए. दूसरे अप्रोच ने बोला कि कोई भी रोल प्ले नहीं करता, चाहे डेट इक्विटी कुछ भी कर लो. और ये अप्रोच बताती है कि एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए. मीन्स डेट भी ठीक हो, इक्विटी का भी एक यू नो अच्छा सा मेन जोन हो उस पॉइंट पे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की मिनिमम हो जाती है और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, राइट? तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है दोनों को साथ साथ लेके चलता है. इसका मतलब डेट भी जरूरी है बट एट द सेम टाइम इक्विटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. तो इन शॉर्ट ये बीच का रास्ता लेके चलता है. नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जो बीच का रास्ता जाता है दैट इज टर्म्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MM अप्रोच. सो दैट इज क्वाइट अ फेमस अप्रोच. इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी नेम्ड आफ्टर फ्रैंको मॉडिग्लियानी एंड मर्टन मिलर. सो ये दो यू नो ये बंदे थे, इन्होंने ही कंपोज की कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी. और इस थ्योरी के इन्होंने दो प्रपोजिशन निकाले, दो चीजें निकाली. तो प्रपोजिशन वन क्या कहता है, इट सेज दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म. दैट मीन्स इट इज सेम एज द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. इसके हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी यू नो मददगार नहीं है वैल्यू ऑफ द फर्म को एसर्टेन करने में. The value of the two identical firms would remain the same and the value would not affect by the choice of finance adopted to finance the assets. The value of the firm is dependent on the expected future earnings. It is when there are no taxes. Okay. So, अगर कोई भी taxes नहीं है, तो proposition 1 के according, when there are no taxes present, तो इसके हिसाब से capital structure कोई भी role play नहीं करता है. और अगर दो identical firms हैं, तो वो same ही रहेंगी. उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा कि उनका चॉइस ऑफ फाइनेंस क्या है, ठीक है? कोई भी असर नहीं पड़ेगा. दोनों फर्म्स को यू नो सेम कंसिडर किया जाएगा. दैट मींस कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है. नाउ प्रपोजिशन सेकंड, इट सेज दैट द फाइनेंशियल लीवरेज बूस्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड रिड्यूसेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज व्हेन द टैक्स इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. सो यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन सेकंड, क्या है जो फाइनेंशियल लीवरेज है, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज से आप ये समझिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैटर करता है. और मैटर कब करता है, जब यू नो टैक्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को यू नो बढ़ाने में मदद करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने में मदद करता है. ओके, सो टू समराइज, इट इज एसेंशियल फॉर द फाइनेंस प्रोफेशनल्स टू नो अबाउट द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर. एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैन हेल्प अ कंपनी बाय ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हेंस इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, सो अगर हम लोग इसको समराइज करें, सो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है. अगर आपने एक्यूरेट एनालिसिस कर ली कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो बहुत ज्यादा यू नो मदद हो जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने में और यू नो वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाने में. तो एट लास्ट अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों बनता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है. हमें कंपनी यानी कंपनी को एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसमें डेट और इक्विटी का एकदम अच्छा खासा मेल जोल हो, राइट? अच्छा खासा मेल जोल हो. एंड ऐसा यू नो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी अडॉप्ट करे जिसमें उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एकदम कम रहे और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो एकदम यू नो ज्यादा रहे. तो मोटिव ये रहता है वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाने की और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने की. ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी बनाए, ये उसका मेन मकसद रहता है. सो आई होप आई वॉज नॉट वेरी फास्ट एंड होप यू गाइज अंडरस्टूड
कैसा लगा आज का लेक्चर प्लीज मुझे बताइएगा सो दैट आई कुड मेक बैक टू बैक लेक्चर्स फॉर यू गाइज फॉर द कमिंग जून एग्जाम. ओके एंड येस फॉर द अपडेटेड कॉमर्स नोट्स यू नो यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 7839575509 एंड देन यू कैन प्रिपेयर विद अस इन द मोस्ट सिस्टमैटिक वे. ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल वी मीट नेक्स्ट.